जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप सभी को पता होगा, रेलवे एनटीपीसी की नई वैकेंसी निकल करके आने वाली थी इसी बार, और वो भी जुलाई में ही, इसी महीने में आप लोग की भर्ती निकल करके आने वाली थी, मगर नहीं आई। क्या कारण है तो आप लोग को बता दे साथियों। देखिए, रेलवे एनटीपीसी का जो भर्ती है ना, और चाहे रेलवे का कोई भी भर्ती हो, या फिर एसएससी का कोई भी भर्ती ले लीजिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी भर्ती ले लीजिए, सभी भर्ती में आप लोग को डिले देखने को मिला है। यहाँ पर एक ही कारण है, वो है इस बार का चुनाव। साथियों, चुनाव के कारण सभी वैकेंसीज में डिले हुए हैं, तो आप लोग को इसमें टेंशन नहीं लेना है ना कि भैया वैकेंसी ही नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी, इतना 100% फिक्स है। अब हम लोग यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो रेलवे एनटीपीसी की नई भर्ती आएगी, ये कब आएगी। तो ये देखिए, आप लोग की नेक्स्ट मंथ में आने वाली है, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर देगा। ये हम आप लोग को 100% बतला रहे हैं साथियों, इतना फिक्स एकदम दिमाग में रख लीजिए। अगस्त में 100% इसका नोटिफिकेशन जारी होगा रेलवे एनटीपीसी का। इसमें आप सभी को मालूम होगा हमारे दोस्तों कि 12वीं पर और फिर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पर जो है सभी पोस्ट जो है अलग अलग वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आती है एनटीपीसी में। कुछ पोस्ट 12वीं पर आती है, कुछ पोस्ट आप लोग की ग्रेजुएशन पर आती है, और इसमें कुछ पोस्ट टाइपिंग वाला भी रहता है और कुछ पोस्ट बिना टाइपिंग वाला भी रहता है। तो दोस्त, हम आप लोग को इस सेशन में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि कौन सा पोस्ट जो है 12वीं पर है, और कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन पर, कौन सा पोस्ट टाइपिंग चाहिए, और कौन से पोस्ट में बिना टाइपिंग का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग एक बार फॉर्म को फिलअप कर दे रहे हैं, तो फिर अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप लोग का टाइपिंग मांग दिया ना दोस्त, और टाइपिंग नहीं रहेगा, तो उसके चलते आप लोग को बाहर खदेड़ दिया जाएगा, इतना दिमाग में रख लीजिए। तो आप लोग को सिंपली कहें तो पोस्ट प्रिफरेंस आप लोग को किस प्रकार से फिलअप करना है फॉर्म को फिलअप करते वक्त, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और इस वीडियो को जरा सेव भी कर दीजिएगा अपने पास। क्योंकि जब भी आप लोग का फॉर्म आता है, अगले मंथ में आप लोग का फॉर्म तो आएगा ही आएगा, फॉर्म आता है, आप लोग जब भी जाते हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को पोस्ट प्रिफरेंस अच्छी प्रकार से इसमें हम समझा देंगे, और किस तरह से आप लोग का इसमें सिलेक्शन वगैरह होगा, सारी चीज़ें को हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बतला दें, इसमें जो दोस्त है वो RRB NTPC का एज लिमिट क्या रहता है, ये 12 वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, 12 वाले स्टूडेंट के लिए 18 से 30 आप लोग की एज रहती है जनरल की, ठीक है, और OBC की अगर बात करें तो 18 से 33, और SC ST की 18 से 35 एज रहती है। और यहाँ पर आप लोग को 3 ईयर का इस बार और छूट सभी वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। क्यों? तो ये हो गया साथियों आप लोग का कोरोना के कारण, ठीक है, कोरोना के कारण अभी तक रेलवे का कोरोना के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आया है, इसीलिए इस बार इसका आप लोग के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। अगली वैकेंसी में 3 साल का छूट नहीं रहेगा, एज यही रहेगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर समझिए, अब ग्रेजुएशन वाले भाइयों का एज क्या रहता है, तो उनके लिए 18 से 33 जनरल, 18 से 36 OBC और 18 से 38 आप लोग का SC ST के लिए रहता है। इसमें भी आप लोग को 3 ईयर का जो है एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट भर्ती है कोरोना के बाद रेलवे का, इसीलिए, ठीक है साथियों। चलिए, अब इसमें आप लोग को बता दें पेमेंट क्या लगेंगे। तो जनरल OBC और EWS के लिए आप लोग का 500 रुपये लगता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। रेलवे ग्रुप डी में भरिए, या LP में भरिए, या फिर टेक्नीशियन में भरिए, सभी में आप लोग के लिए एक ही फी लगता है 500, और SC ST फीमेल के लिए 250। यहाँ भी क्राइटेरिया वही है कि 400 रुपये इसमें आप लोग का रिटर्न कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो है 250 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं तो, ठीक है, एग्जाम दे देते हैं तो आप लोग का पैसा रिटर्न भी होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जो वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकल करके आएगी, वो 12 वालों के लिए कौन से पोस्ट है और ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन से पोस्ट है। तो समझिए साथियों, 12 के लिए सबसे पहले हम लोग देख ले, तो देखिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम का टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ट्रेंस क्लर्क, और उसके बाद ट्रैवलिंग टिकट क्लर्क एग्जामिनर, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि इसको बोला जाता है TTE। जो आप लोग स्लीपर वगैरह में अगर कभी टिकट बुक किए होंगे तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, आप लोग अगर सोए भी रहते हैं ना, तो टिकट चेक करने वाला सिंपली आता है आपसे, अपना आपका सीट नंबर टिकट देखेगा, उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। और ये होता है आप लोग का ट्रेंस क्लर्क, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया एक तरह से, एक प्रकार से बोले तो 6 जो पोस्ट है वो आप लोग के 12 पर आएगी, और 8 जो पोस्ट है वो आप लोग के ग्रेजुएशन पर आएगी। अब ग्रेजुएशन वाला हम लोग पोस्ट देख लेते हैं। देखिए, कॉमर्शियल ट्रेनिंग, ट्रैफिक असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद एक और पोस्ट है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लिया जाए। देखिए, 2 पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और फिर सीनियर टाइम कीपर।
तो आप लोग सिंपली यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए चार और चार पोस्ट, ये हो गया आप लोग का ग्रेजुएशन का और वो हो गया आप लोग का 12 का। अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो ये वाला फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, और अगर आप लोग 12 किए हैं, 12वीं किए हैं, तो आप लोग ये वाले फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए साथियों, ठीक है। एनटीपीसी बहुत अच्छा जॉब होता है साथियों, कोई भी जॉब अगर आप लोग इसमें देखिएगा ना तो रुतबा वाला जॉब होता है। यहाँ पर अब आप लोग को बतलाएंगे कि कौन सा जो है टाइपिंग वाला पोस्ट है, कौन सा नॉन टाइपिंग वाला, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब समझ लेते हैं कि इसमें अब सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन किस प्रकार होता है। तो देखिए चयन प्रक्रिया की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले आप लोग का पेपर वन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT पेपर वन होता है। उसके बाद CBT पेपर टू, दो पेपर होता है आप लोग का। इसमें दोस्त आप लोग का फिजिकल का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी आप लोग का फिजिकल नहीं, दौड़ वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ दोनों टेस्ट होगा, दो एग्जाम आप लोग को देने हैं। उसके बाद टाइपिंग में आप लोग का क्या है, तो देखिए ये जो है ना टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग मांग रहा है उसी में आप लोग का टाइपिंग होगा। इसलिए बोले कि पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से भरना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप लोग कोई पोस्ट चूज कर लीजिए टाइपिंग वाला और आपको नहीं मालूम था कि उसमें टाइपिंग लगेगा और उसी में आप लोग का अगर रिजल्ट आ गया तो फिर कहाँ से आप लोग टाइपिंग दीजिएगा। एक महीने में भैया टाइपिंग बना लीजिएगा, इतना ईजी नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलने से टाइपिंग नहीं होता है भैया, मेहनत चाहिए रहता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का बहुत दिनों का एक्सपीरियंस मांगता है टाइपिंग, ऐसे नहीं होता है ना कि पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। तो टाइपिंग जो है ये जो इस भी पोस्ट में आप लोग का टाइपिंग मांगेगा उसी के लिए, नॉट फॉर ऑल पोस्ट हम पहले यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोग का मेरिट जारी कर दिया जाता है, उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा साथियों। सिंपली दो ठो एग्जाम दीजिए, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, मेरिट आ जाएगा। तो आइए दोस्त सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि दो आप लोग का पेपर होगा, CBT 1 CBT 2। तो CBT 1 में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसमें आप लोग का किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। देखिए CBT 1 में आप लोग का निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहने वाला है, इसे ध्यान रखिए। रेलवे के किसी भी एग्जाम में 1/3 का दोस्त निगेटिव मार्किंग रहता है, इतना ध्यान रखिए। ग्रुप बी को भी लीजिएगा, उसमें भी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इस बार तो भैया RTI पर 80% सीट देगा, ग्रुप डी में मात्र 20% सीट देगा, जो आप लोग का जो है 10th पर लेगा, नहीं तो नहीं देगा। देखिए अब यहाँ पर सेक्शन देखिए और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए। देखिए जनरल अवेलेंस से आप लोग का 40 क्वेश्चन पूछेगा CBT 1 में, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछेगा और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो 100 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर पूछेगा साथियों CBT 1 में, समझ गए। CBT 1 में 100 क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर यानी कि CBT 2, तो इसमें सिर्फ आप लोग का सब्जेक्ट वही है, जनरल अवेलेंस से 50 है, मैथमेटिक्स से 35 है और रीजनिंग से 35 है, सिर्फ क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया गया, 120 क्वेश्चन आप लोग का इसमें पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का आप लोग का रहेगा CBT 2 में भी, ठीक है साथियों। सब्जेक्ट वही है जिसका अगर आप लोग चाहते हैं रेलवे NTPC का प्रिपरेशन करना, तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि हम आप लोग का अभी जो क्लासेस है कंटिन्यू रखे हुए हैं रेलवे का और बिहार पुलिस का, तो आप लोग जुड़ जाइएगा क्लासेस में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सभी क्लासेस को कंटिन्यू करिए। रोजाना आप लोग सारे रेलवे का प्रीवियस ईयर का 2001 के बाद से जितना आप लोग का एग्जाम हुआ है, इंटरनल वैकेंसी, आप लोग का डायरेक्ट भर्ती, सारा भर्ती का आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं साथियों। तो अगर आप लोग NTPC में फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो जरूर से जरूर आप लोग क्लासेस को वॉच करिए, रामबाण क्लासेस है आप लोग के लिए, और PDF तो जरूर ले लीजिएगा जो आप लोग के लिए प्रोवाइड कराए हैं वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो टेलीग्राम पर आकर के मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लीजिए नंबर भी नोट कर लेते हैं, 7870141238। आप लोग को यहाँ पर जो है NTPC के लिए रामबाण PDF दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग आकर के कॉन्टैक्ट करके ले लीजिएगा। व्हाट्सअप करना है आप लोग को, सिंपली व्हाट्सअप करिएगा तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग टाइपिंग पोस्ट वाला कौन सा है और यहाँ पर देखेंगे कि बिना टाइपिंग वाला कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों टाइपिंग वाला पोस्ट है सबसे पहले अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग वाला है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट टाइपिंग है। जूनियर टाइपकीपर में टाइपिंग है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग है और सीनियर टाइमकीपर में भी टाइपिंग है। और यहाँ पर अगर बात कर ले तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि टोटल 6 आप लोग के ऐसे पोस्ट निकल रहे हैं जिसमें NTPC में टाइपिंग होता है। और इधर तब 8 पोस्ट होने चाहिए क्योंकि टोटल कितने मैंने पोस्ट बताया था, 14 पोस्ट टोटल आप लोगों को बताया था। देखिए ट्रेंस क्लर्क में टाइपिंग नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल क्लर्क के कम टिकट क्लर्क में टाइपिंग नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए गुड्स गार्ड में टाइपिंग नहीं चाहिए। यहाँ देखिए सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में टाइपिंग नहीं चाहिए। यहाँ देखिए कॉमर्शियल ट्रेनिंग में टाइपिंग नहीं चाहिए। इधर देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट में टाइपिंग नहीं चाहिए। स्टेशन मास्टर, सबसे अच्छा भैया स्टेशन मास्टर में टाइपिंग नहीं चाहिए। ये जो दो पोस्ट है ना, स्टेशन मास्टर और इधर आ गया एक गुड्स गार्ड, ये दो में ज़्यादा भरछड़ होता है। और उसके बाद आ जाता है TT का,
ठीक है। तो इसमें भैया देखिए, इसमें भी आप लोग का नहीं चाहिए टीटी ट्रेवलिंग टिकट क्लर्क, उसके बाद आप लोग का और एक पोस्ट हाँ यहाँ पर है देखिए ट्रेन क्लर्क टीसी, ठीक है। यही तीन चार पोस्ट में ज़्यादा भीड़ होता है जिसमें कि आप लोग का टाइपिंग नहीं मांगा गया है। इधर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 पोस्ट हो गया, उधर 6 पोस्ट हो गया। 6 पोस्ट में टाइपिंग, 8 पोस्ट में टाइपिंग नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, बहुत अच्छा आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे आप लोग को दिखला देते हैं इसमें कि जब आखिर अगर मान लीजिए कि टाइपिंग मांगेगा तो उसमें आप लोग की टाइपिंग की स्पीड क्या रहेगी। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया ना कि दो सिर्फ आप लोग का एग्जाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, दोनों एग्जाम का आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप लोग को ये भी बता दिया कैसे तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, रामबाण पीडीएफ हम दे ही रहे हैं। सीबीटी आप लोग का एग्जाम तो ऐसे ही भैया इजीली निकल जाएगा। उसके बाद आता है अगर आप लोग टाइपिंग वाला पोस्ट भरते हैं तो उसमें आप लोग का टाइपिंग क्या चाहिए, तो हिंदी 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट आप लोग का मांगेगा दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। बस आप लोग का एग्जाम यहाँ पर क्लियर हुआ, सीबीटी क्लियर हुआ, सीबीटी 1 और 2 ये खत्म हुआ, उसके बाद आप लोग का क्या होगा, टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग अगर आप लोग ये क्लियर कर लेते हैं और वो भी टाइपिंग अगर वाला पोस्ट आप लोग चूज करते हैं तो ही, नहीं चूज करिएगा तो टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। यहीं से आप लोग का सिलेक्शन, और उसके बाद सिर्फ आप लोग टाइपिंग लीजिए, फिजिकल वगैरह है ही नहीं, जॉब लीजिए भैया। अप्लाई आप लोग कब से कर सकते हैं, तो इजिली आप लोग को हम सिंपली पहले ही बता दिए भैया अप्लाई कब से होगा, तो आप लोग का अप्लाई अगस्त से होने वाला है, इसे दिमाग में रखिएगा। चुनाव के कारण डिले हुआ है मगर भर्ती आएगा जरूर, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आप लोग इस नंबर को जरूर नोट कर लीजिए रामबाण पीडीएफ को लेने के लिए। इस पीडीएफ से आप लोग को इतना मदद मिलने वाला है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। रेलवे के लिए स्पेशली ये पीडीएफ बनाया गया है, रेलवे स्पेशल पीडीएफ जो है ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। रेलवे स्पेशल पीडीएफ व्हाट्सएप कर लीजिएगा इसी नंबर पर 7870141238। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ भी, क्योंकि हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।